नमस्कार दोस्तों, मैग्नीट्यूड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जैसे आप जानते हैं, IBPS ने RRB एग्जाम 2020 की प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम डेट्स जो है वो अनाउंस कर लिए। तो क्या है ये पूरा डिटेल अपन देख लेते हैं, किस तरह से एग्जाम होनी है, कौन सी डेट्स है, कैसे आप दे सकते हैं, कौन एलिजिबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इन न्यूज़। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने मंडे यानी कल टेंटेटिव डेट्स रिलीज किया है CRP RRB 9 एग्जामिनेशन के लिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जो ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि CRP RRBs के लिए, ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1-3 एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो एग्जाम कंडक्ट की जा रही है IBPS के द्वारा, उसकी टेंटेटिव डेट है सितंबर 12 से शुरू होगी, फिर 13, 19, 20 एंड 26, 2020 तक ये एग्ज़ाम होने वाली है। जिन्होंने भी अपनी प्रीलिम्स क्लियर किया है उसको मेंस के लिए बुलाया जाएगा अक्टूबर के अंदर, और एक सिंगल एग्ज़ाम ली जाएगी ऑफिसर स्केल 2 और 3 लेवल पोस्ट के लिए जो कि अक्टूबर 18 को होने वाली है। क्लियर। अब जिन्होंने क्लियर किया है प्रीलिम्स और मेंस को, उनको हायर किया जाएगा ऑफिसर लेवल यानी कि स्केल 1-3 ग्रुप ए लेवल के अंदर, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए ग्रुप बी लेवल के लिए। इस साल टोटल 43 बैंक्स ने एडवर्टाइज़ किया है IBPS RRB के अंतर्गत, और ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से जो IBPS है वो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यानी कि PET को कंडक्ट कर रहा है August 24 से 29 तक, और इसके एडमिट कार्ड August 12 को रिलीज़ होने हैं। क्लियर। IBPS ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज़ करते हुए कहा कि जो CRP की एग्ज़ाम है रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल 1-3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दी गई है। ठीक है, तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरी डिटेल को जानने के लिए। और जो इंटरव्यू है रिक्रूटमेंट के लिए ग्रुप ए ऑफिसर और स्केल 1-3 के लिए, वो सेम रहेगा, और इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा नोडल रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड और IBPS की कंसल्टेशन के मदद से, और ये सब शुरू होगा नवंबर 2020 से। जो पोस्ट है आपके ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उसकी एग्जाम 2 tiers में होगी यानी कि ये पूरी ऑनलाइन एग्जाम होगी 2 phases के अंदर यानी कि प्रीलिम्स और मेंस। और जो पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उनके कैंडिडेट्स को पहले प्रीलिम्स को क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, बाद में शॉर्टलिस्ट होंगे वो मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और फाइनली उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा मार्क्स के आधार पर मेंस के एग्जामिनेशन पर, और वैकेंसी के आधार पर इनको फाइनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई करता है प्रीलिम्स को, बाद में वो शॉर्टलिस्ट होगा मेंस के लिए, एंड देन मेंस से शॉर्टलिस्ट होकर कॉमन इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो क्लियर है आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीलिम्स डेट जो है ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये रही दी गई है 12 सितंबर, 13 सितंबर, 19 सितंबर, 20 और 26। सिंगल एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए 18 अगस्त को होने वाली है, सॉरी 18 अक्टूबर को होने वाली है, और मेंस एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 अक्टूबर 2020 एंड ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए 31 अक्टूबर 2020। क्लियर। डिटेल में डेट्स देख लीजिए यहाँ पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह 1 जुलाई से शुरू हो गया था 21 जुलाई तक PET के लिए, और पेमेंट वगैरह भी 1 जुलाई तक होना था। जो लास्ट डेट है पेमेंट फीस की वो 21 जुलाई था। डाउनलोड करना है जो आपको PET कॉल लेटर्स, वो 12 अगस्त है। PET कंडक्ट किया जाएगा 24 से 29 जैसे हमने अभी पहले देख लिया था, और कॉल लेटर जो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वो अगस्त 2020 के अंदर डाउनलोड हो सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट के लिए ये डेट्स हमने अभी रिसेंटली देखी, इनका रिजल्ट आएगा अक्टूबर के अंदर, और बाद में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है मेंस और सिंगल के लिए अक्टूबर नवंबर में होने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम मेंस की ऑफिसर स्केल 1 के लिए अक्टूबर 18, मेंस एग्जाम ऑनलाइन ऑफिस असिस्टेंट के लिए 31 अक्टूबर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिंगल ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए 18 अक्टूबर 2020, और जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है मेंस और सिंगल का वो होगा अक्टूबर नवंबर के बीच में। और इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2020, और जो इंटरव्यू है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अक्टूबर नवंबर में ही होना है,
और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफिस स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो जनवरी 2021 से शुरू होना है। क्लियर? तो इन सबको आप पॉज करके देख सकते हैं और अपने सेव कर सकते हैं। अब कौन अप्लाई कर सकता है? तो कैंडिडेट 20 से 30 के बीच की एज का अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट 2 अगस्त 1990 से पहले बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए, या तो 1 अगस्त 2000 के बाद बॉर्न नहीं हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट को ग्रेजुएशन डिग्री ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी डिसिप्लिन की चलेगी, और उसके साथ वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आवश्यकता होगी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से ज़रूरत पड़ेगा डिक्लेरेशन को लेकर ऑन एंड बिफोर 26/8/2020 के पहले, और ये सबमिट करना है इंटरव्यू के दौरान। ये एग्ज़ाम पैटर्न है पीओ का, जो अभी रिसेंटली दिया गया IBBS के द्वारा। तो देख सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर आपके 3 टेस्ट होने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड रिस्पेक्टिवली रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। इंग्लिश के अलावा जो बाकी के दो पेपर हैं, इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही मीडियम के अंदर आ जाएंगे, और हर एक पेपर में आपको 20-20 मिनट का टाइम अलॉट किया गया है सेपरेटली। बाद में कट ऑफ के आधार पर, स्क्रीनिंग के आधार पर आपको मेंस में अलॉट किया जाएगा। मेंस के अंदर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर राइटिंग एंड एसे, ये 5 पेपर होने हैं, ये सीक्वेंस में होंगे, ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग और एसे के अलावा बाकी सारे पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर आने हैं। टोटल आपको 155 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज लेटर और ऐसे के अलावा, और 200 मार्क्स के होंगे, और हर एक को सेपरेट टाइम अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि 60 मिनट 35 मिनट्स, ये रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं, इसको भी पॉज करके आप सेव कर सकते हैं। अब IBPS RRB प्रीलिम्स 2020 की एग्ज़ाम का ये पूरा का पूरा हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स के अंदर, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 45 मिनट दोनों को मिलाकर। और मेंस की बात करते हैं, तो ये वाला तो था आपका पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, और ये ऑफिस स्केल 1 के लिए जो है इस तरह से पैटर्न है, सेम है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यहाँ पर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ऊपर था रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर भी आपको 45 मिनट का समय मिलता है। जो मेंस है दोनों का वो 200 मार्क्स का होगा, और 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। सिंगल एग्जाम भी ऑफिसर स्केल 2 के लिए कंडक्ट की जाएगी, और एग्जाम पैटर्न वेरी होगा ऑन द सब पोस्ट। अब किस तरह से अप्लाई करना है? तो कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कोई भी मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन देने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आप एलिजिबल हो, और सारे नॉर्म्स जो मेंशन किए गए नोटिफिकेशन के अंदर, उसका PDF का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, वो फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.ibps.in के ऊपर जाना है, फिर वहाँ पर क्लिक करना है CWEPO/MT के ऊपर। थर्ड, आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CWE प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ताकि आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा आपके लिए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको अलग से नोट डाउन करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आप अपना जो सेव डेटा है उसको रीओपन कर सकते हैं, और उसको एडिट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, और केयरफुली फिल करना है पूरा का पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर सेव एंड नेक्स्ट फैसिलिटी को यूज़ करके, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है और मॉडिफाई करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। फाइनली आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है उस बटन पर, और आपकी हर एक डिटेल कैलफोरी चेक करनी है, बिकॉज उसके बाद आपका जो डेटा है वो वेरी नहीं हो सकता। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार सब कुछ देख लेना है। क्लियर? यहाँ पर एक आपके लिए नोट भी है, इनकेस अगर आप एप्लीकेशन को एक ही बार में फिलअप नहीं कर पाओ,
तो आप अपना डेटा जो एंटर किया है उसको सेव कर सकते हो, और अगेन आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने यहाँ पर जनरेट किया है उसका यूज़ करके रीओपन कर सकते हो सेव डेटा को, और अगेन आपका पर्टिकुलर्स अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट करके फाइनल सबमिट कर सकते हो एक बार केयरफुली सभी डिटेल्स पढ़ के। क्लियर। दूसरे इंपॉर्टेंट नोट, COVID-19 पैंडेमिक के चलते सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए PET जो है इस दौरान वो शायद नहीं ली जाएगी, और प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो लिमिटेड कैंडिडेट्स के अंदर ही लिया जाएगा, ओनली लिमिटेड कैंडिडेट्स को लेकर ही प्रीलिम्स कंडक्ट की जाएगी, और जो कट ऑफ है मेंस और प्रीलिम्स का वो वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और जो कट ऑफ है वो रिलीज किया जाएगा एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। ये पूरा जो नोटिस है ऑफिशियल नोटिस के अंदर लिखा हुआ है IBPS के। अब IBPS के बारे में जान लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS पॉपुलरली ये जाना जाता है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको रजिस्टर्ड किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, और पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत भी इसको रजिस्ट्रेशन किया है अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। इसको क्यों क्रिएट किया गया है, तो इसको क्रिएट किया गया है सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिक्वेस्ट करती है या तो मदद करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिक्वेस्ट करता है, ताकि ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट डिज़ाइन टेस्ट असेसमेंट एग्जामिनेशन और ये सब कंडक्ट कर सके और सर्विस प्रोवाइड कर सके। और ये जो इंस्टीट्यूट है आपका IBPS वो एसोसिएट मेंबर है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का भी। क्लियर। आई होप सो आपको सारी की सारी डिटेल्स समझ में आ गई होगी IBPS RRB और PO की एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप IBPS.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन वाला जहाँ पर आपको अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए वो आप लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और दूसरा मैं PDF का भी लिंक भेज दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का IBPS का। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।